गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज हम अंकी मात्रा और चंद्रबिंदु की मात्रा के शब्दों का उच्चारण करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अंकी मात्रा। नाक की स्वर में आवाज आएगी अंक अंक, नाक की स्वर में आवाज आती है ठंडा, ठीक है चंदा। उसके बाद आप देखिए जंगल जंगल। जंगल चंदा। उसके बाद जंग जंग जंग। डंडा डंडा। उसके बाद मंगल मंगल मंगल। सतरंगी सतरंगी। उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद रंग रंग गंगा। अंकी आवाज आती है बेटा, उच्चारण आप ही बोल बोल के करोगे तो आपको भी अच्छे से आ जाएगा। गंगा कंगन कंगन। उसके बाद बजरंगी बजरंगी बजरंगी। उसके बाद भंग भंग। उसके बाद है पंखा पंखा। चंदन चंदन। उसके बाद है घंटा घर घंटा घर। ठीक है, ये तो हमारे हो गए बिंदु के। अब मैं चंद्र बिंदु के कराती हूँ आपको। सांप आवाज का वही रहता उच्चारण चंद्र बिंदु। वहां वहां वहां। अंगीठी अंगीठी अंगीठी। धसना धसना। उसके बाद ये बेटा यहां यहां। छाव छाव। आंकड़ा आंकड़ा। उसके बाद ये बेटा कंटीला। उसके बाद ये बेटा काप काप। धाव। उसके बाद कंगना। उसके बाद है जांघिया जांघिया जांघिया। फिर जहां जहां जहां। शब्द आपको कॉपी में भी उतारने हैं, हेडिंग डालनी है और कॉपी में भी उतारने हैं, ठीक है। फिर जहां के बाद कहां कहां कहां। चांदनी चांदनी चांदनी। फिर आंवला आंवला आंवला, ठीक है। आप इसके एक पैराग्राफ दे रखे हैं वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। बुक में भी दिखा देती हूँ, पैराग्राफ भी पढ़ के सुना देती हूँ। देखो ये चंद्रबिंदु वाला। गंगा मंदिर गई, मंदिर में शंख बजाया, चंचल ने घंटा बजाया। मंदिर में एक बंदर आया, डंडा ला बंदर भगा, तंदूर जला संतूर बजा, संतरा खा पतंग उड़ा, करंट मत लगा। कंचन सुंदर लड़की है, जंगल में मंगल हो गया।
आगे आप चंद्रबिंदु वाला देखिए बेटा। गांव में एक हाथी आया, गांव में एक हाथी आया, हाथी की सूंड लंबी पूंछ छोटी है, माँ तांगे पर बैठकर गांव गई, तांगा एक पेड़ के पास रुक गया, पहुँच कर रुक गया, माँ ने तांगे वाले को 5 रुपए दिए। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही आप ये चंद्रबिंदु वाले देखो, हम की बड़े इनकी माता के मात्रा के ने आप उतार भी सकना। अतः नमः फलतः स्वतः अंत अंतकरण पुनः अंततः स्नेह स्नेह प्राय संभवतः। उसके बाद इसका पैराग्राफ देखो, आइए पढ़ना सीखे। मैं प्रातः 6 बजे उठ जाता हूँ, ईश्वर को पुनः पुनः याद करता हूँ, यानी बार बार याद करता हूँ, स्नेह स्नेह दिन ढल जाता है, धीरे धीरे दिन ढल जाता है। ये हो गया एक ही आपके कृपा वाले रीके ऋषि मात्रा वाले सदा, इसे पदेन मात्रा भी कहा जाता है। ये नीचे लगती है वर्ण के, देखो मृग ग्रह हृदय दर्ग वृक्ष कृपा कृषक कृतिका ग्रंथ दृढ़ घृणा अमृत मकर छाल नर्प कृत मत्रक मृदंग मातृभूमि। ये शब्द जो जितने भी आप इन्हें पढ़ना है, देखो घने वृक्ष के पास एक ऋषि का ग्रह था, ग्रह मतलब क्या होता है, घर था, उसके उनके पास सुंदर ध्रुवों वाला एक हिरण था, यानी सुंदर सिंहों वाला एक हिरण था। एक दिन एक नर्प ने मर्द पर तीर चलाया, यानी एक व्यक्ति ने उस पर तीर चला दिया। मर्ग की मृत देह देखकर ऋषि बहुत दुखी हुआ, मरा हुआ अपना हिरण देखकर ऋषि बहुत दुखी हुआ। उन्होंने उसे अमृत पिलाया, मृग के जीवंत होने पर, यानी जो मरा हुआ मृग था हिरण था वो जिंदा हो गया, होने पर कृपालु ऋषि ने नर्प को माफ कर दिया, जिसने तीर चलाया था उसको माफ कर दिया, नर्प अपने नगर को चला गया, जो नर था अपने गांव अपने नगर को चला गया। अब इन्हें आप अच्छे से पढ़ लेना, मैं आपको 12 खड़ी कराऊंगी। ठीक है बेटा, एक दो मात्राएं अच्छे से आप पढ़ लेना। थैंक यू बेटा।